करते हैं और इनके प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बेकिंग शॉप और नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। अभी तक बेकिंग की चीज़ें कितने प्राइस क्या हिसाब है ये मिलते हैं? 10 रुपये का पैक है स्मॉल स्प्रिंकल्स वगैरह के लिए होती है। ये ऑरिगानो है, मलेशियन कोको पाउडर होता है, ये 40 रुपीज़ का पैक है। इसी तरह का ये बेकिंग पाउडर है पेरिस डव का, हम लोग लेते हैं बल्क क्वांटिटी में। इसमें फिर हम ये हम लूज बनाते हैं 30 ग्राम है, 40 ग्राम है 40 रुपीज़ का। इसी तरह 50 रुपीज़ के हैं सब डिफरेंट प्राइस 40 से स्टार्टिंग है 100 रखें और दूसरे तरीके से। फिर आपको ये चीज़ मिल जाएगी चेडर चीज़ 200 का पैक है 200 ग्राम का, 50 रुपीज़ का पैक है चॉकलेट चिप्स का। इसी तरीके से चीज़ लाइल हमारे पास मिल जाती है ओपन पैक में 25। इस तरीके से प्राइस भी मिल जाएगी डेयरी की आपको 70 का पैक है। सलवा की क्रीम है ये आपको मिल जाएगी 380 की 1 kg सेम बेबी विप की रिजल्ट। Assalamualaikum my YouTube family, welcome to HK Vlogs। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ मेमन फाउंडेशन के साइड पे जो दुकानें हैं और वहाँ का आपको विजिट कराऊंगी। रास्ता यही है इसी तरह की लाल मस्जिद है जो मेमन मस्जिद कहलाती है और सीधे आज पे आप देख रहे होंगे काका भवानी और इंस्टीट्यूट। इसके साथ ही जो रोड चल रही है यहीं से हम इंटर होंगे और यहाँ से हम राइट पर टर्न होंगे और सीधी पे आपको दिखाएंगे दुकानें। इस तरह की 2-4 वीडियोस मैं पहले भी बना चुकी हूँ मेमन फाउंडेशन के अंदर और वहाँ होने वाले कोर्सेज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जहाँ से सामान मिलता है वो भी मैंने बनाई है वीडियो। अब की वीडियो भी बहुत स्पेशल और ख़ास होने वाली है और इसको भी उसी तरह से प्यार लाइक्स की सूरत में दीजिएगा। तो चले जी, सुबह का टाइम है और काफ़ी स्टॉल्स तो बंद भी हैं। यहाँ पर सुबह खुलते ही दुकानों का बेइंतहा रश हो जाता है और इसी तरह की छोटी छोटी आपको बेकिंग्स की और दूसरी दुकानें भी नज़र आएंगी। लेकिन मैं एक ख़ास स्पेशल दुकान में आई हूँ जहाँ से मैं ख़ुद भी शॉपिंग करती हूँ और जब मैं सीख रही थी इसका कोर्स तो मैंने यहाँ से बहुत सारी कुकिंग की क्लासेस ली और यहीं से मैं सारी चीज़ें खरीदती थी। इवन मेरी टीचर्स भी यहीं से खरीदा। बेकिंग का अच्छा और सस्ता सामान आप यहाँ पर से ख़रीद सकते हैं और इनके प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये बहुत पुरानी शॉप है जहाँ से मैं भी ख़रीदारी करती थी बेकिंग की। इसका नाम है माई बेकिंग शॉप और नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी दुकानें तो बंद ही आपको नज़र आ रही होंगी। काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पर चीज़ों की और ये मेमन फाउंडेशन के बिल्कुल सामने ही है। बाकी और भी स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे इसी तरह के, तो मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह की बेकिंग की चीज़ें कितने प्राइस में मिल सकती हैं और यहाँ पर वो चीज़ें भी मिल जाएंगी होलसेल रेट पे। मुझे बेकिंग की क्लासेस लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। कोरोना से पहले यहाँ पर आर्ट्स की जो दुकानें थी वो भी बंद हो चुकी थी और मेमन फाउंडेशन भी कोरोना के टाइम पर बंद था। ये बात है 3 साल पहले की और काफ़ी दुकानें बंद होने के बाद बेकिंग की खुली थी। बस उसके बाद ही ये सारी चीज़ें चेंज होने लगी और अब तो इतना अच्छा और यूनिक सामान आने लगा है जो कि हमारे बेकिंग क्लासेस के टाइम पर नहीं मिलता था। आप इनका नंबर लेके ऑनलाइन भी इनसे मंगवा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये बहुत पुरानी और बड़ी दुकान है। मेरे इसी चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिलेंगी आर्ट एंड क्राफ्ट की और मैंने कुछ चीज़ों भी जो सिखाने की कोशिश की थी लेकिन इतना इंटरेस्ट उन वीडियोस पे नहीं दिखाया गया इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। अब चलते हैं इस वीडियो में दिखाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि कैसे मिलती हैं चीज़ें, कहाँ से आप ले सकते हैं अच्छे दामों में और घर में बैठ के बेकिंग भी कर सकते हैं। क्या ये 10 रुपये का पैक है स्मॉल स्प्रिंकल्स वगैरह के जो होते हैं। ये ऑरिगानो है जो पिज़्ज़ा के हर्ब्स होते हैं, ये भी 10 का पैकेट है। ये मिक्स हर्ब है, इसमें ऑरिगानो थाइम रोजमेरी सब मिक्स होती है, ये भी 10 का पैकेट है। बोतल नहीं ले सके तो वो? हाँ, बोतल के प्राइस होते हैं 130 रुपीज़, इसलिए हमने फिर ये स्मॉल पैक बना के रखे हुए हैं 10-10 रुपये के। जैसे ये ईस्ट पाउडर है खमीर 10 रुपीज़ का पैक है। टोटल रेड स्प्रिंकल की ये 10-10 रुपीज़ के सब पैक है। ये कोको पाउडर का पैक है, पोलैक कंपनी का है, मलेशियन कोको पाउडर होता है, ये 40 रुपीज़ का पैक है। इसी तरह का ये बेकिंग पाउडर है पेरिस डव का, हम लोग लेते हैं बल्क क्वांटिटी में। इसमें फिर हम ये हम लूज बनाते हैं 30 ग्राम है, ये 40 ग्राम है 40 रुपीज़ का। इसी तरीके से आइसिंग शुगर है, ये 20 रुपीज़ का पैक है 50 ग्राम का, 20 रुपीज़ का पैक है 50 ग्राम का। ये सब है, ये है जेलेटिन पाउडर, इसका बॉक्स आता है 240 का, इसलिए हमने इसके लूज पैक बना के रखे हुए 20 रुपीज़ के। ये जेलेटिन पाउडर है, ये आइसक्रीम केमिकल है स्टेपलाइज पाउडर जो कि आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनने देता, बिल्कुल क्रीमी रखता है आइसक्रीम को आपकी। इसी तरह ये मस्टर्ड पाउडर है 10 रुपये का ये। इसी तरीके से ये ब्रेड इम्प्रूवर है, ये जो
ब्रेड को राइस करता है, इक्का पाउडर जी बिल्कुल। ये नोजल्स वगैरह हैं ओपन में, ये सब मिल जाती हैं लूज में, डिफरेंट शेप में। ये डिफरेंट शेप है, ये रशियन नोजल है, ये 80 रुपीज़ का है। इसमें 1M 2D है वो 100 रुपीज़ की हैं। इसमें छोटे वाले स्टार नोजल हैं वो 50-50 रुपीज़ के हैं। सब डिफरेंट वाले 40 से स्टार्टिंग है, 100 रख गए हैं नोजल्स की वैरायटी सारी। ये ऑरेंज पील्स हैं जी। इसके अलावा ये अशरफी के पैकेट मिल जाएंगे आपको ओपन, ग्रीन येलो रेड सब 30-30 के पैक हैं ये। इसी तरीके से और पिज़्ज़ा का आइटम्स मिल जाएगा आपको। ये ऑलिव्स के पैक हैं, 50 रुपीज़ का पैक है ऑलिव्स का, ब्लैक ऑलिव जी। इसी तरीके से ये ग्रीन ऑलिव का पैक है 50 रुपीज़ का। इसी तरीके से फिर आपको ये चीज़ मिल जाएगी चेडर चीज़, 200 का पैक है, 200 ग्राम का। इनके बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं देखिए कंपनीज़ के, फिर इनके हम लूज़ करके हम लोग स्मॉल पैक इनके बनाते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से मोज़रेला चीज़ आपको मिल, फ्रेश क्रीम मिल जाएगी, चॉकलेट चिप का पैक मिल जाएगा, 50 रुपीज़ का पैक है चॉकलेट चिप्स का। इसमें 70 ग्राम होते हैं, वाइट भी होती है ना, इसमें वाइट भी मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल वाइट। इसके लिए इसी तरीके से चीज़ स्लाइस हमारे पास मिल जाती है ओपन पैक में, 25 का एक चीज़ स्लाइस है ये, वन बर्गर स्लाइस 25 रुपये का एक मिल जाएगा अगर लूज में लेना चाहें, वरना ये पैकेट पूरा जो है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बिल्कुल। इसी तरीके से फ्रेश क्रीम मिल जाएगी डेयरी की आपको, 70 का पैक है। बॉडी चल रही है वीपी विप क्रीम, तो उससे तो सस्ती है, इससे तो बहुत सस्ती है। और वीपी विप से भी सस्ती एक नई न्यू क्रीम आ गई है जो कि काफ़ी अच्छी है, जिनकी बहुत डिमांड है। ये सलवा की क्रीम है, ये आपको मिल जाएगी 380 की 1 kg, सेम वीपी विप की रिजल्ट है, इसी सेम रिजल्ट है, गारंटी के साथ देते हैं हम लोग इसी वाली क्रीम। तो कोको पाउडर का पैकेट मिल जाएगा आपको, ये एक पाव का 250 ग्राम होता है। हाँ ये 350 का पैक है ये डार्क, इसमें डार्क भी आता है बिल्कुल। ये डार्क चॉकलेट है केक की, ये 150 का पैक है, 200 ग्राम का। ये स्वीटीला की चॉकलेट, ये गुल्स की चॉकलेट है, 200 ग्राम का पैकेट है। ये 250 ग्राम का पैकेट है, 200 का जी बिल्कुल। ये स्वीटीला कंपनी की है, ये गुल्स कंपनी की है। ये केजी के हिसाब से फिर मिलता है, ये 550 का केजी का पैक आता है। ये चॉकलेट है गुल्स कंपनी की, ये 750 का केजी का पैक है। इसी तरह का फिर ये स्मॉल में पड़ा हुआ है ना 200 का ऊपर इसी के, बिल्कुल जी ये 200 का पैक है। ये वाइट चॉकलेट है, ये 150 का पैक है, 200 ग्राम का। ये स्विट्ज़रलैंड कंपनी की होती है, वो बड़ा पैकेट है जी 2 kg का। फिर इसमें से हम लूँ ये बड़ी जी, ये केक की टॉपिंग है। इसकी अगर स्मॉल बोतल चाहिए तो वहाँ पे देखे सामने छोटी छोटी बोतलों में इनके बना के हमने रखा हुआ है। कैरमल सॉस है, चॉकलेट है, ब्लूबेरी है, ये एसेंस जी, ये सॉस है, चॉकलेट सॉस है स्मॉल। ये 40 रुपीज़ की बोतल है। अच्छा, ये ये गोल्डन सिरप है जो केक में डलता है स्पंज में। इन ये सब की बड़ी बड़ी बोतलें आती हैं, हम लोग ने इनको डिवाइड करके छोटी छोटी बोतलों में बना के रखा हुआ। ये कैरामल सॉस है, ये 40 रुपये का पैकेट है जी, सब 40-40 रुपये के पैकेट है। ये वो 550 की बोतल होती है, बड़ी बोतल इसकी। ये केक टॉपर्स वगैरह, ये वाला लेंगे तो आपको 250 का सेट मिलेगा, इसके बराबर में जो पड़ा हुआ है वो 200 का सेट है। ये 250 का है, ये वो 200 का है। इसमें एक दूसरे कप साथ हैं, ब्लैक वाले कप लेके आओ। अच्छा अच्छा, ये भी चल रहे हैं बहुत, ये एडिबल मार्कर है जी। ये कितने का पैक है? ये 350 का पैक है, फाउंटेन कलर्स है जी, फूड मार्कर है। ये केक डॉविल है, केक को सपोर्ट के लिए काम आती है। ये 350 का पैक है, छोटे बड़े सब मिल जाएंगे, सारे डिफरेंट साइज मिल जाएंगे। इसके अलावा ये वाले मेजरमेंट कप्स हैं, 140 का सेट है ये, इसमें ब्लैक एंड वाइट कप है जी। केक सेट नाइफ है, सब कटिंग नाइफ है, इसमें पैलेट नाइफ है, स्पैचुला पैलेट नाइफ है, ये नॉन स्टिक जी बिल्कुल। स्टील भी चलते हैं, दोनों चलते हैं, कस्टमर की वैरायटी पे डिमांड है।
ये स्विट्ज़ीला है, ये न्यूट्रेला की तरह ही फ्लेवर एक नया आ गया है स्विट्ज़ीला। इसके प्राइस है 950, बकेट है 1.25 केजी है। इसमें ये छोटा स्मॉल पैक है 500 का, छोटा पड़ेगा और चॉकलेट वाले केक्स के लिए, ब्राउनीज के लिए अच्छा रहेगा। ये 250 का पैकेज, के अंदर 500 कप्स है। ये चॉकलेट मोल्ड है 200 के। वो राइट है, ये छोटे वाले कपकेक्स कितने के? जी वन बाइट वाले हैं। कितने के ये ब्रेड बनती है? नहीं नहीं, कपकेक बनते छोटे वाले, छोटे वाले हैं। इसी तरह से ये इसके बटर पेपर का रोल है, बटर पेपर का रोल। कितने का है? 150। 150 का। और ये बिस्किट ट्रे, बिस्किट कटर है। मतलब कितने का है? ये 200 रुपये का। इसी तरह से मोल्ड्स ये जो हैं, ये डिफरेंट साइज के हैं। ये बेस है 10 रुपये की, 10 रुपये की बेस है। और ये 350 350। अच्छा, इस तरह के अगर गद्दे लेने हो तो ये भी बता दें। 30 रुपये और 40 रुपये, छोटा 30 रुपये, बड़ा 40 रुपये का। अच्छा, ये जो केक की टर्नर टेबल होती है इसकी क्या प्राइस है? 300 रुपये की है ये जी। और यही साइज होगा जी। अच्छा, जो आयरन की होती है उसकी क्या प्राइस है? आयरन वाली तो 3300 रुपये की, 3500 रुपये। आयरन की टर्नर टेबल आज है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, ये जो बनाने का लूप और केक वगैरह होते हैं इसकी जी 300 का है ये 380 रुपये का, 380 रुपये का। अच्छा, ये वेट मशीन कितनी की? 800 रुपये की। और ये 850 रुपये की है, 850 की। अच्छा साइज है जी। और ये बहुत ज़रूरी होती है बेकिंग के लिए। इसी तरह के मोल्ड्स हैं ये मुख्तलिफ प्राइस के। थोड़ा भाई जी, कितने के हैं? 100 रुपये का ये, 100 रुपये का एक है। और ये 250 रुपये के, कोटिंग वगैरह बनाने के लिए होती हैं। नेमर फाउंडेशन में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो यहाँ पर बहुत रश होता है। मॉर्निंग में 11 बजे दुकानें खुलते ही यहाँ पर बहुत लड़कियों का रश हो जाता है। इसी तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिकन के साँचे और ये टेंट्स, और लूज़ में भी मिल जाएंगी चीज़ें। और आपको लूज़ में लेना हो तो कम रेट्स में पड़ जाएगा। बाकी यहाँ पर फ्रेश चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस दुकान के ऑनर जो कि यूसुफ भाई हैं, वो बहुत कम कर देते हैं रेट, आप उनसे बार्गेनिंग करके कम भी। अच्छा, ये प्री मिक्स के क्या प्राइस है? 150, मतलब लूज में नहीं आता, ये पैकेट में ही आता है। इसकी क्या प्राइस है? 1350 का। इसमें हर तरह की नोजल मिलेगी, और वो डोल और डॉल वाला, ये कितने का डॉल मॉडल? 280 का है डॉल का। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लूज में और छोटी पैकिंग में भी मिल जाएंगी, यानी कि आप घर बैठ के अपना पैकिंग का काम कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बात लाइफ सीखने की होती है, यानी कि मेमन फाउंडेशन में कोर्सेज होते हैं बेकिंग के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाई कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। और इसी तरह की वीडियोस मैं और भी बनाती रहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरा मेमन फाउंडेशन। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।